मॅडम चे लेक्चर आहे आता. लंच लंच वर झाला का? सर आपण आज थांबलो नाही आहेत लंच साठी आज. नाही का? बर, नाही. हा ओके. ठीक आहे. अभिजीत गेला का? विचित आहे? सर नाही आहेत ते. नाही का? बर. अब आगे के व्याख्यान की ओर बढ़ेंगे. आगे के व्याख्याता की पहचान करा के देती हूँ मैं. वैद्य रेणुका गयाड, एमडी, पीएचडी, डिप्लोमा इन डाइट, डिप्लोमा इन योगा. आप इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर वाघोली में काय चिकित्सा विभाग में अध्यापक तथा मानक चिकित्सा रह चुकी हैं. आपकी 10 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं. आपने तमक श्वास एक अध्ययन तथा पथ्यकर आहार शाकाहार जैसे पुस्तकें लिखी है. आपने आपने आयुर्वेद का अध्यापन, तत्वचिंतन, संहिता निरूपण धनेश, चरक ऊहन, माधवाचार्य गुरुकुल जैसे स्थानों पर किया हुआ है. सरल सुलभ भाषा में व्याख्यान देना यह आपका वैशिष्ट्य है. आप अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के सदस्य हैं. तो मैं आपसे विनंती करती हूँ कि आप आपका व्याख्यान प्रस्तुत कीजिएगा. धन्यवाद माधुरी. आज संहिता निरूपण कार्यक्रम में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देशील देते मैम, एक मिनट. आज के संहिता निरूपण कार्यक्रम में हम सवेरे से अब तक 3 व्याख्यानों को सुन चुके हैं. दिलाए मैडम. एक मिनट. दिसतोय माझा स्क्रीन? यस मॅम, दिसतोय. हो हो, चालेल. ओके. आज संहिता निरूपण के कार्यक्रम में हम सवेरे से 3 व्याख्यान सुन चुके हैं. ये तीनों व्याख्याताओं ने, वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, वैद्य अभिजीत सर और वैद्य सुलक्षणा मैडम ने, संहिता के साथ जो बातें बताई है. सबसे पहले तो संहिता के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उसके साथ ही हमें काम करना चाहिए. ये निर्देश तो हमें मिला ही है, लेकिन कभी कभी गलतियां ऐसी होती है कि जब हम प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं तब कभी कभी ऐसे आख्यायिकाओं को सुन के हमें लगता है कि या क्या ये सही शास्त्र है, क्या ये सही साइंस के व्याख्या में बैठता है, या इविडेंस बेस्ड साइंस है क्या नहीं. लेकिन इन सभी का उत्तर हमें पहले 3 व्याख्यानों में तो मिल चुका है. जैसे कि सर के व्याख्यान में तो बहुत मूल सिद्धांत के साथ हमने जो देखा कि जो साध्य व्याधि है उनकी अगर हमें चिकित्सा करनी है तो हमें गुण तक, दोषों के गुण तक और उसको विकृत करने वाले हेतुओं के गुण तक जाना है, तभी ये बात हो जाएंगी. अभिजीत ने जो पूरा कालावधि बताया, शास्त्र निर्माण का कालावधि इतिहास के साथ और जो संशोधन का काम हुआ उसके सभी संदर्भ के साथ जो बताया वो तो बहुत ही अप्रतिम था. उसके बाद वैद्य सुलक्षणा ने ये प्रत्यक्ष आधारित शास्त्र है इसके जो संदर्भ बताए और जो विश्लेषण किया
वो भी बहुत ही अच्छा था। अभी आज के आखिरी लेक्चर में मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ। वैसे तो संहिता प्रैक्टिकल ही है, उस संहिता के आधार से ही हमें रुग्ण की चिकित्सा करते समय जो काम करना है, जिसमें औषध नियोजन के साथ साथ आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा, औषध नियोजन और उसके साथ साथ हमें शुद्धि उपक्रम पंचकर्म चिकित्सा भी करनी पड़ती है, तो हम उसके बारे में बस्ती चिकित्सा में शोधन चिकित्सा और यापन चिकित्सा, इसका अप्लाइड एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे मालूम है हम यहाँ पर जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अध्यापन के कार्य में या अध्यापक के कार्य में या चिकित्सक के कार्य में बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं और उनका अपना अपना योग्य काम चल रहा भी है, लेकिन उनके सामने विषय प्रस्तुत करते समय मैं बिल्कुल बेसिक बस्ती कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाने वाली हूँ। जैसे कि बस्ती देने की विधि क्या है, बस्ती का पूर्व कर्म क्या है, बस्ती का प्रधान कर्म कैसा होता है, पश्चात कर्म कैसा होता है, ये बातें मैं नहीं लूंगी। मैं सिर्फ अप्लाइड एस्पेक्ट और वही शोधन और यापन का निर्णय करते समय हमें किस बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए हम चिकित्सा की ओर गए तो क्या हमें दिक्कत आती है और उसका परिहार हम कैसे करें, इसका हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब हम एक चिकित्सक के रूप में हमारी चिकित्सा कर्म करते हैं तो, और मुझे ऐसा लगा कि यही बात हम थोड़ी विस्तार से एक घंटे के अवधि में ही समाप्त करने वाले हैं। अभी बस्ती चिकित्सा का क्या वैशिष्ट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, तो सबसे पहला वैशिष्ट्य मुझे लगता है, ये मैंने चिंतन के साथ इसके प्रैक्टिकल उपयोग के साथ लिखी हुई बात है, शायद इसमें और बहुत सारे वैशिष्ट्य ऐड भी हो सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो मैंने लिखा है वो पूर्णतः इसको आप सहमत नहीं होंगे या इसका एक अलग एंगल आपको मालूम होगा, तो वो भी आप मेरे साथ अगर शेयर करें तो मैं उसका भी आदर करती हूँ। लेकिन चिकित्सा करते समय, उसका नियोजन करते समय, प्रिस्क्रिप्शन, बस्ती के प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय बहुत बार गलतियां भी हुई, बहुत बार उसके ऊपर और चिंतन करने का भी वक्त आया और हर दिन कुछ द्रव्य का चयन भी बदलना पड़ा और तब जाके मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी है कि बस्ती एक ऐसी चिकित्सा है कि वो सर्व शरीरगत दोष की चिकित्सा है। वैसे वमन और विरेचन में भी संपूर्ण शरीर से एक मार्ग से दोष बाहर निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर मर्मगत व्याधि है और दोष मर्म के व्याधि से पीड़ित हुए रुग्ण में दोषों की चिकित्सा हमें करनी है, तो कभी कभी ऐसी मर्म की जो दुर्बलता है उसके साथ ये प्रायः वमन और विरेचन शोधन हम नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था में हमें बस्ती से शोधन का लाभ प्राप्त होता है और उसके लिए उसका नियोजन हमें योग्य तरीके से करना आवश्यक होता है। दूसरी बात है कि ये चिकित्सा शरीर के धातु का परिपालन करते हुए, शरीर के बल का रक्षण करते हुए, शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हुए शरीर में से दोषों का शोधन करती है और यही बहुत महत्वपूर्ण बात इस चिकित्सा का वैशिष्ट्य है। और एक बात है कि दोष
चिकित्सा में द्रव्यों के चयन के अनुसार हम स्नेहन या रुक्षण कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर बस्ती में स्नेह का प्रयोग ज्यादा किया, यमक स्नेह का प्रयोग किया, शुद्ध वात व्याधि में बलवान मात्रा में स्नेहन दिया तो यह स्नेहन करेगा, और उसके बिल्कुल विपरीत अगर श्लेष्म प्रधान व्याधि है, संतर्पणोत्थ व्याधि है, श्लेष्म प्राधान्य अवस्था है, वहां पर हमने क्षार का प्रयोग किया, त्रिकटु का प्रक्षेप डाला या आरिष्ट का प्रयोग बस्ती में किया, तो वही बस्ती रुक्षण भी करती है, उसी प्रकार लंघन भी करती है, ब्रूहण भी करती है। कभी कभी हमें पिच्छावस्ती का प्रयोग करके स्तंभन भी करना पड़ता है, और कभी कभी दोषों का शोधन करने के लिए तीक्ष्ण औषधियों के साथ, तीक्ष्ण वस्ती के साथ मलों का शोधन, स्वेदागम से भी, स्वेदन भी, या दोषों का पाचन भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बस्ती चिकित्सा द्रव्य के चयन के अनुसार अलग अलग काम करने में बहुत सफलता से हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात है कि अत्यधिक अवस्था में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अगर बहुत तीव्र शूल है, उदरगत शूल है, और उसका कारण है कि एक 80 इयर्स के कारुगण है और शूल है, और वो उसकी बहुत बड़ी तकलीफ है कि रूक्षमल का निस्सरण नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में अगर हम गुद को अभ्यक्त करके केवल चिंचालवण तेल का मात्रा बस्ती स्नेह बस्ती दे दे तो तुरंत फिकोलिथ मल भाग निकल आता है और शूल कम हो जाता है। एक बहुत सा सिंपल सा उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। आम वात में एक विशिष्ट अवस्था जहां पर शूल है ज्यादा, वात का शूल है लेकिन थोड़ा पचन भी हुआ है, ऐसी अवस्था में अगर हम वैतरण बस्ती का, जिसमें चिंचा है, गोमूत्र है, कभी कभी क्षार भी डाल सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में शूल उपशम में फायदा होता है। तो इस प्रकार से अत्यधिक अवस्था में भी बस्ती चिकित्सा का प्रयोग होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो शोधन बस्ती और यापन बस्ती के एंगल से आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है, वृद्ध दोष और निबद्ध दोष। दोष वृद्ध में शोधन किया जाता है और निबद्ध दोष में हमें यापन करना है क्या, इसका विश्लेषण आज मैं थोड़ा आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। अभी बस्ती चिकित्सा के बारे में जहां पर वर्णन किया है, वैसा वहां पर एक संदर्भ ऐसा भी है कि बस्ती चिकित्सा केवल वायु की चिकित्सा नहीं है। बस्ती वाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते, जहां पर रक्त दुष्य व्याधि संप्राप्ति में बलवान है, वहां पर वात रक्त जैसे व्याधि में एक विशिष्ट अवस्था आने के बाद हमें माधु यष्टि मधु का प्रयोग करके हुए बस्ती का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। उसी प्रकार आम दोष में वैतरण बस्ती का प्रयोग होता है, श्लेष्म दोष में करंज आदि बस्ती का प्रयोग होता है, और पित्त दोष में पित्तघ्न बस्ती का भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार जहां पर दोष निबद्ध है, उनको हमें निकालना है, लेकिन उस दोष भी शरीर का धारण करने के लिए, शरीर का बल रखने के लिए एक घटक है, उनको निकालने के समय भी कुछ न कुछ हमें युक्ति करनी पड़ती है, और वही बात हम यापन चिकित्सा से कभी कभी नहीं बहुत बार साध्य कर सकते हैं। तो इसलिए वृद्ध दोष की चिकित्सा, निबद्ध दोष की चिकित्सा, इसमें निबद्ध दोष चिकित्सा में कभी कभी अम्ल स्नेह, यापन बस्ती, इनका प्रयोग करके चिकित्सा में यश प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर शोधन या यापन, इसका सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन होने के बाद भी उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अगर हर एक दिन बस्ती के प्रत्यागम का, उसके निर्माण होने वाले लक्षणों का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते गए तो हमें निश्चित रूप से चिकित्सा में हम अच्छा स्पेशलिटी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने बस्ती का प्रयोग प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और 7 दिन होने के बाद ही रुग्ण की परीक्षा की। ये कभी कभी हमें कुछ व्यापक की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए हर रोज ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, रुग्ण परीक्षण और प्रत्यागम का भी परीक्षण। और ये सब करते करते हमें प्रिकॉशंस भी कुछ लेनी चाहिए। जो क्या प्रिकॉशंस है, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, इसकी बार चर्चा हम आज करने वाले हैं। बस्ती चिकित्सा ये अधिक प्रचलित शोधन उपक्रम है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें व्यापक ज्यादा नहीं होते क्या, ऐसा सोच के बस्ती का प्रयोग ज्यादा होता होगा। लेकिन जैसे हम चिंतन के साथ, अभ्यास के साथ इसका प्रयोग करते जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल है और वो सभी हमें मालूम होना मुझे लगता है आवश्यक है। केवल एनीमा देना ये बस्ती नहीं हो सकता, एनीमा एक प्रकार का बस्ती हो सकता है। स्थान भेद से पक्वाशय, मूत्र मार्ग, योनि मार्ग, द्रव्य भेद से निरूह, अनुवासन, स्नेह, मात्रा, क्षीर, यापन, कर्म भेद से लेखन, ब्रूहण, यापन, शोधन, कृमिघ्न, दोषघ्न, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। संख्या भेद से अलग है। और जैसे मैंने बताया कि बस्ती सभी दोषों की चिकित्सा में योग्य काल में, योग्य अवस्था में, योग्य द्रव्यों के साथ प्रयोग की गई तो बस्ती सभी दोषों की चिकित्सा में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी द्रव्य का चयन करने के लिए कुछ हमें द्रव्य संदर्भों का अभ्यास होना चाहिए। जैसे कि द्रव्य को चयन करने के लिए अस्थापन गण क्या है, अनुवासन गण क्या है, अस्थापनोपग क्या है, अनुवासनोपग क्या है, अभी इनका विवरण धर्माधिकारी सर ने जो ऑनलाइन लेक्चर्स जो सर लेते हैं वहां पर सभी गणों का बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद के द्वारा जो लेक्चर हुए हैं उसमें किया है। उन सभी गणों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी या इन गणों का भी मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी क्योंकि बाकी संदर्भ हमें देखना है इसलिए। लेकिन आप वो सुन सकते हो और उससे हमारी दृष्टि बहुत बदल जाती है कि सभी गण में जो द्रव्य है वो एक साथ लेने हैं क्या, अलग अलग अवस्था में अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करना है क्या, ये वहां पर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। षड अस्थापन स्कंध जो है ग्रंथ में उसका भी हमें चयन, उसका भी प्रयोग हमें बस्ती द्रव्य का चयन में होता है। दूसरा और एक बस्ती का प्रिस्क्रिप्शन लेने में हमें सहायता होती है जो सिद्ध बस्ती कल्प ग्रंथ में दिए है। चरक संहिता में जो सिद्ध बस्ती कल्प दिए है उनका भी हमारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने में मदद होती है। और एक बात है कि जो प्रयुक्त या सिद्ध बस्ती है उनकी योजना युक्ति से करना बहुत आवश्यक है। और वो ये युक्ति हम जैसे जैसे संहिता पढ़ते जाते हैं, रुग्ण के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, जिसका प्रयोग करने से जो हम संदर्भ हमारे युक्ति में जो जुड़ाते जाते हैं उससे हमारी युक्ति, ये जो हमारा यंत्र है या ये जो हमारा एक शस्त्र है वो अच्छा अच्छा प्रगल्भ होता जाता है। और ये अनुभव हर एक चिकित्सक का, हर एक वैद्य का अपना अपना एक कार्य है और वो हर सभी वैद्य इसको जुड़ा सकते हैं। अभी शोधन बस्ती में हम किस किस शोधन करते हैं तो सबसे पहले
जो संचित मल है उसका शोधन होता है पहले दिन के बस्ती में, तो बहुत बार यही होता है। फिर दूसरे उपक्रम में या दूसरे बस्ती में दोषों का शोधन होता है। कभी कभी अगर कृमि की अवस्था है, कृमि का निर्माण हुआ है, कृमि कोष्ठ है, तो कृमि का भी शोधन होता है। जैसे कि पहले ही निरूह बस्ती में केवल मल शोधन हो गया तो सम्यक निरूढ़ के लक्षण नहीं मिलते, क्योंकि सम्यक निरूढ़ के लक्षण मिलने के लिए वृद्ध दोष का शोधन और अग्नि की वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम बस्ती में हमारा केवल पक्वाशय में संचित मल का ही शोधन होता है, और फिर हमें दूसरे दिन से दोषों के शोधन की लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये हमें कैसे समझ में आ गया, आना चाहिए? तो इसलिए हर एक बस्ती के पश्चात प्रत्यागम कब हुआ, प्रत्यागम के समय लक्षण क्या थे, प्रत्यागम के साथ प्रत्यागम हुए मल की या पुरीष का जो वर्णन है वो हमें मालूम होना चाहिए कि केवल मल भक्ता सक्वाथ था, सतैल था, समल के साथ पैच्छिल्य था, या समल के साथ कुछ वेदना नहीं होते हुए श्लेष्म पतन हुआ है। ऐसे बहुत रुग्णों में मैंने देखा है कि एक रुग्ण तो मेरे पास ऐसे भागते दौड़ते आई थी बस्ती के बाद, कुष्ठ के बाद, कि मैडम आज मेरे बस्ती प्रत्यागम में सफेद रंग का केक के जैसा कुछ तो भी निकल आया, और मैंने वो बेड पैन में रखा है, और फिर हमने देखा कि वो अच्छा श्लेष्मा था, और उसके बाद उसका कंडू तुरंत कम हो गया। तो ये हमें देखना चाहिए। अभी जब हम यापन बस्ती देते हैं, यापन बस्ती में स्नेह, अलग अलग स्नेह होते हैं, जिसमें सिद्ध तैल, सिद्ध घृत, मांस रस और सिद्ध क्षीर, हर एक पाठ में इसका अलग अलग प्रमाण है और अलग अलग द्रव्यों का एक संयोग है। जैसे कि बलादियापन, तृतीय बलादियापन, मुस्तादियापन, एरंडमुलादियापन, हर एक कल्प में अलग अलग स्नेह द्रव्य है। इससे क्या होता है, इससे परिपालन करते हुए शरीर के धातुओं का, शरीर के बल का, सभी का परिपालन करते हुए मल का भी शोधन होता है, दोषों का भी शोधन होता है, क्लेद का भी शोधन होता है, और लेकिन उसके साथ साथ बल धारण भी होता है, अग्नि की भी प्रदीप्ति होती है, और अग्नि का भी संरक्षण इसमें होता है। तो ये इसकी एक वैशिष्टता है, इसलिए हमें इसका प्रयोग चिकित्सा में करना आवश्यक है। अभी इसके लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है, तो शोधन बस्ती में क्वाथ, गोमूत्र, क्षार, कल्क, आरिष्ट, इनका प्रयोग होता है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, हम अगर इसकी लिस्ट बनाते गए तो बहुत अलग अलग कल्प में और अनुभव के साथ बहुत अलग अलग बातें हमें आती है। जैसे कि गोमूत्र आता है, चिंचा कौल आता है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। यापन बस्ती में भी जो कुछ बातें आती है, जिसमें सिद्ध क्षीर है, घृत है, तैल है, मांस रस है, यमक स्नेह है, युक्ति के अनुसार हम उसका प्रयोग अलग अलग से करते हैं। तो ये सभी बातें कैसे समझ में आनी चाहिए, जिसका संदर्भ चरक सिद्धि स्थान तीसरे अध्याय में दिया है, समीक्ष दोष औषध देश काल सात्म्य अग्नि सत्व आदि वय बलानी बस्ती ही प्रयुक्तो। इन सभी को हम अच्छी तरह से समझ के अगर हमने बस्ती का नियोजन किया तो निश्चित रूप से ये बस्ती हमें योग्य सिद्धि देने वाली है। नियतम गुणाय स्यात् सर्व कर्माणि च सिद्धिमन्ति। और हमें सिद्धि ही चाहिए ना, हमें रुग्णों को निरोगी करना है, हमें रुग्णों को वेदना से मुक्त करना है, तो हमारी फिर क्या जवाबदारी है या हमारा जो काम है, तो हम सब बातों को अच्छी तरह से समझे। जैसे मैं एक उदाहरण बताती, अगर काल है, उष्ण काल है, और हमारे बस्ती कल्प में प्रक्षेप में या बस्ती कल्प में तीक्ष्ण मदन फल है, कुछ बस्ती कल्प में है 6-6 मदन फल डालने का
ग्रंथ में उल्लेख है, और वही पाठ हम वसंत के बाद आने वाला थोड़ा औष्ण्य जो है वही तभी काल में ही अगर हम करते गए तो निश्चित रूप से बस्ती प्रत्यागम के समय स्वेदागम ज्यादा होता है, तो यह हमें समझना चाहिए। और एक बात बताती हूँ मैं, अगर जंगल देश है जैसे कि मराठवाड़ा का प्रदेश है, वहां पर बस्ती के कल्प में अगर हमें क्षार डालना है तो हमें निश्चित रूप से थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम कोंकण की एरिया में चिकित्सा कर रहे हैं जहां पर अनूप प्रदेश है, हर दिन बहुत अच्छा सूर्य जिस दिन नहीं है, जहां पर प्रावरूट के बाद वर्षा के दिन आ रहे हैं, वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा करने का जो प्रघात हम सभी वैद्य वर्गों में है वो तो बहुत ज्यादा आजकल सम हमें दिखता है, लेकिन उस समय हमें अनुपदेश, वर्षा ऋतु और स्नेह बस्ती जरा सोचना चाहिए, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, रुग्ण के अग्नि को भी हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं ये बात बताती हूँ कि इन सभी बातों को समझते हुए हमारा बस्ती का प्रिस्क्रिप्शन हमें लिखना चाहिए और वही हमें अप्लीकेबल भी करना चाहिए। अभी थोड़ा सा एक अलग विषय जिसका उल्लेख मैं सिर्फ बस्ती के कार्मुकत्व के साथ ही आपके साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बस्ती जैसे मैंने बताया कि बस्ती वाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते, उसी प्रकार शाखागत कोष्ठगत मर्मगत सर्व अवयवगत सभी जहां पर व्याधि है वहां पर बस्ती की चिकित्सा की जाती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें वात दोष की पूरी संकल्पना अच्छी सी समझनी चाहिए। जैसे कि शरीर में जो वात दोष है, जो उद्गार के साथ, जो केवल अधोवात के साथ शरीर के बाहर जाता है, वो वात दोष नहीं है, वो पंचभौतिक वायु है। लेकिन संपूर्ण शरीर में जो सूक्ष्म से लेके स्थूल कर्म करने वाला जो अचिंत्य वीर्य जो शक्ति है वो वात दोष है, और वही वात दोष शरीर के सभी विक्षेप और संहार के लिए आवश्यक है, और उसमें श्लेष्मा भी आता है, पित्त भी आता है, मल भी आते हैं, पुरीष भी आता है या मूत्र भी आता है। अगर हमें इसका शरीर के बाहर निकालना है, वृद्ध श्लेष्मा को, वृद्ध पित्त को, वृद्ध मल को, या कभी कभी वृद्ध क्लेद युक्त मूत्र को भी हमें निकालना है किडनी डिसीज में, तो हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? वायु को समत्व देने की, वायु को प्राकृत करने की, और इस वायु को प्राकृत करने के लिए हमें उस शरीर में इस वायु की अचिंत्य शक्ति को के सभी अवरोध दूर करके, उसके आने वाले सभी जो अवरोध है उसको दूर करके संपूर्ण शरीर को स्वच्छ विशद स्निग्ध करने की जो बात है वो बस्ती से होती है। इसलिए बस्ती चिकित्सा सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव तक, सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतस तक काम करके हमें यश देती है, इसलिए मैंने ये श्लोक यहाँ पर रखा है। यही बात अष्टांग हृदय में वायु की प्रशस्ति के लिए बताया है, अनिलो ही दोषाणाम नेता सर्व शरीर चेष्टे कारणम, सभी शरीर के चेष्टा, अभी हाथ हिलाना, पैर हिलाना, चलना, घूमना, स्विमिंग करना, ये चेष्टा नहीं, सभी शरीर में जो सूक्ष्म चेष्टा है, मल का विक्षेप, दोष का विक्षेप, ज्ञान का ग्रहण, ये सभी जो चेष्टा है उसके लिए वायु, ये पंचात्मा कारणीभूत है, और उसकी चिकित्सा करने के लिए अन्य अन्य व्याधि में हमें बस्ती चिकित्सा का प्रयोग होता है। अभी शोधन और यापन का निर्णय, यहाँ पर एक श्लोक मैं पहले पढ़ती हूँ। बस्ती न ब्रूहणिया दद्यात् व्याधिषु विशोधनीय विशोधनीयेषु, जो व्याधि शोधन करने के है वहां पर
ब्रूहण बस्ती नहीं देना चाहिए, यापन तो नहीं, स्नेह बस्ती भी नहीं, क्षीर बस्ती भी नहीं, और यापन तो बिल्कुल नहीं। मेदस्विनो विशोध्या ये अपि न रहा कुष्ठ मेहारतः, न क्षीण क्षत दुर्बल मूर्छित कृश शुष्क देहानाम युंजात विशोधिने आनाम। अभी देखो ये ऐसी अवस्था है, क्षीण अवस्था है, क्षत अवस्था है, दुर्बल अवस्था है, कभी कभी संज्ञा नाश की जैसी मूर्छित अवस्था है, बहुत अत्यंत क्रूश है, शुष्क देह है, लेकिन दोष निबद्ध है। शरीर में दोष कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं, शरीर में दोष कुछ न कुछ व्याधि संप्राप्ति कर रहे हैं, इनमें शोधन नहीं करना है। युंजात विशोधिनियाना न ये च, इनको शोधन नहीं करना चाहिए। फिर इनके दोषों को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दोष निबद्ध आयुष्य या व्याधि अवस्था में यापन बस्ती का लाभ होता है, और ऐसे कई रुग्ण में मैंने देखा भी है। दोष निबद्ध आयुष्य इति दोषे मलादि रूपे देहस्ते निबद्ध आयुः एषा। इससे क्या होता है? शरीर में शोष होता है, अति दुर्बलता आती है, अग्नि भी कभी कभी थोड़ा अत्यंत बलवान नहीं रहता, कभी बल थोड़ी भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती, ऐसी अवस्था आती है। और हमें ये भी मालूम है कि बलम ही अलम शरीर निग्रहाय दोषाणाम, दोषों की समस्थिति लाने के लिए शरीर का बल, धातु का बल, अग्नि का बल अच्छा ही होना चाहिए। और शरीर के बल, धातु के बल में कभी कभी ये जो सूक्ष्म निबद्ध दोष जब थोड़े अड़सर लाते हैं, तो उनको स्तोकम स्तोकम शरीर को बल देते हुए यापन बस्ती के साथ हम अगर निकालते गए तो इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे बहुत सारे बस्ती के कल्प है, जैसे यापन बस्ती के जो कल्प है, मुस्ताद यापन है, एरंड मुलादि यापन है, तृतीय बलादि यापन है, और बहुत सारे हैं। और ये बात स्पष्ट करते समय टीका में शोष का उदाहरण दिया है, उक्ता ही शोषी मुंचिति गात्राणी पुरुष संसनात अपि, कि पुरुष ही यक्ष्मा के रुग्ण का बल है, अगर इसको हम निकाल देंगे पुरुष को तो विरेचन देंगे या बलवान बस्ती देंगे तो उससे भी उसकी बलहानि होती होगी, वो मूर्छित भी हो सकता है। और यही अवस्था त्रिदोषज सान्निपातिक जीर्ण व्याधि व्याधिकर्षित अवस्था में हमारे रुग्ण में मिलती है। और मॉडर्न मेडिसिन के साथ बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बाद ऐसे रुग्णों के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे रुग्ण का परिपालन यापन वेदना रहित करना, ये ऐसी चिकित्सा से साध्य निश्चित रूप से होता है। अभी अर्हता, बस्ती की अर्हता में बहुत सारी बातें बताई है, मैं यहाँ पर सिर्फ जो रेड लाइन में मैंने जो लिखा है वो ज्यादा हाईलाइट करना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे यापन और शोधन में, शोधन के बारे में ही थोड़ा बात करना है। जैसे कि बाल वृद्ध अध्वगमी अध्व भार वहन करने वाला, इन सभी को देना है, सुकुमार को देना है, ठीक है हम देते ही, हम तो बहुत सारी बस्ती चिकित्सा करते हैं, सभी वैद्य सभी जगह पे बहुत सारी चिकित्सा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही एक बात है, तो न अजीर्णे योज्जो न च दिवा स्वप्न सेव्या, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ पर अभी एक बात याद आती है कि पिछले साल हमने कैलासवासी बिंदु माधव कट्टी पुण्य स्मरण का जो ऑनलाइन कार्यक्रम लिया था, उसमें एक उत्तम वैद्य वैद्य नरेंद्र बेंडसे सर ने भी चिकित्सा में बस्ती के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था, और उनका एक वाक्य मुझे अभी याद आ रहा है कि बस्ती चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा ये पेशेंट के डिमांड के अनुसार कभी भी नहीं देनी चाहिए, नेवर एवर ऑन डिमांड। आजकल ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, पंचकर्म करना है, बस्ती चिकित्सा करना है, शरीर शुद्धि करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है,
अरे अरे बहुत बहुत अलग अलग से शब्द प्रयोग करके हमें वो कभी कभी संभ्रम में डालते हैं, लेकिन अगर अजीर्ण अवस्था है, दिवा स्वप्न रत है, सवेरे 10 बजे उठता है और 11-12 बजे पंचकर्म चिकित्सा के लिए बस्ती को जाता है, नहीं चलेगा। दूसरे तीसरे दिन ही अंगद गौरव आ जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा। चाहे शोधन बस्ती भी हो, सामावस्था में शोधन बस्ती के साथ भी उदर शुल हुए ऐसे मेरे जब मैंने भी कुछ गलतियां की है देखा है, तो ये गलतियों को सुधार करके ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आज ये विषय आपके सामने रख रही हूँ। अभी बस्ती क्रम, स्नेह बस्ती, निरुह बस्ती, न एकम अतिशीलय, ये मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ कि कभी कभी हमने यापन बस्ती का निर्णय कर लिया, 5 दिन यापन बस्ती, 7 दिन यापन बस्ती, और हर दिन हम रुग्ण का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है पेशेंट को अग्निवध उत्कले होता है, अग्नि दुर्बल होता है, दोषों की वृद्धि होती है, लक्षण भी बढ़ते हैं, तो तब क्या करना है, तब हमें एक निरुह बीच में देना है। उस निरुह भी अगर रुग्ण बहुत व्याधिकर्षित है, कृश है, तो उसकी भी नियोजन हमें अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए, इसलिए ये संदर्भ मैंने यहाँ पर रखा है। स्नेह बस्ती निरुहम वा, स्नेह बस्ती या निरुह कोई भी एक शीलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल निरुह से वात प्रकोप हो सकता है, केवल स्नेह से अग्निवध हो सकता है, उसी प्रकार केवल यापन से भी अग्नि के ऊपर कुछ परिणाम हो रहा है क्या, अग्नि दुर्बल हो रहा है क्या, या कड़कड़ून भूख नहीं लागत, ऐसा अगर रुग्ण बोलता है तो हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। और इसलिए एक क्रम दिया है, तस्मात निरुढ़ा स्नेह्या स्यात् निरुहश्च अनुवासिता। लेकिन इसके लिए भी ग्रंथकार हमें कहाँ कहाँ पर आदेश देते हैं कि अगर श्लेष्म प्रधान है तो आप 3 निरुह भी दे सकते हैं, अगर वात प्रधान है तो आप 3 सलग 3-5 स्नेह बस्ती भी दे सकते हैं। और ये सभी सिद्धांत एक साथ जुड़ते हुए हमें शोधन यापन, यहाँ पर शोधन यापन एक जैसे कि प्रत्यात्मक रूप के रूप में मैंने लिया है, क्षीर बस्ती हो, स्नेह बस्ती हो, निरुह बस्ती हो, वैतरण बस्ती हो, या कोई भी शोधन बस्ती हो, सभी के बारे में हमें ये सिद्धांत समझना आवश्यक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्नेह बस्ती दिया और वो वापस ही नहीं आया, अरे क्या हो गया, अति रोक्षात अनागच्छन, वो आया ही नहीं है, लेकिन उसने स्नेह बस्ती का प्रत्यागम नहीं हुआ और जाड्यादि दोष भी उत्पन्न नहीं हुए, अग्नि भी कम नहीं हुआ, उदर गौरव भी नहीं है, पेशेंट को संधि वेदना भी बड़ी नहीं है, तो क्या करो, उपेक्षा, उसकी उपेक्षा करो। इसका मतलब है कि आपने जो स्नेह बस्ती का निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पूरे स्नेह का शोषण होके शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतसों तक जो स्निग्ध गुण की आवश्यकता है वो हुई है। लेकिन ये हर रोज नहीं होगा, 2-3-5 दिन में कभी कभी हमें बीच में निरुह देना पड़ता है, और यही बात चरक चिकित्सा 28वें अध्याय में बहुत अच्छे से लिखी है, हम उसके ऊपर भी अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ प्रिकॉशन लेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे, उपेक्षा तो करना ही है, ततो अद्युषितश्च निशाम पिबेत प्रातः, प्रातः पिबेत नागर धान्याभा, शुंठी और धान्यक सिद्ध जल देना है, या कोष्ण केवलम एव, या कोष्ण जल ही देना है। अगर अतिरोक्ष के कारण, तो ये क्यों करना है ऐसा, कि अति स्नेह या स्नेह प्रत्यागम न होने से भी अगर कुछ अग्नि मंदता या शरीर जाड्यता आ सकती है, आएगी क्या, इसके लिए हमें एक पाचन जल देना है, तो यह आदेश भी
ग्रंथ में दिया है। तो ये भी बात हमें शोधन कर यापन करते समय ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर और एक बात दी है कि किसको हम सलग से स्नेह बस्ती दे सकते हैं, जो व्यायाम नित्य है, जिनका अग्नि उत्तम है, जो रूक्ष है। व्यायाम नित्यान दीप्ताग्नि रूक्षांश्च प्रतिवासरम, हर दिन दे दो, क्योंकि वो रूक्ष शरीर है। उनको 3 दिन 5 दिन तक हम अनुवासन दे सकते हैं। तो लेकिन ऐसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन स्नेहन देने के बाद उनके शोधन के लिए निरूह का प्रयोग करो, उनके शोधन के लिए निरूह का शोधन बस्ती का प्रयोग करो। लेकिन ये बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि हम जब शोधन बस्ती का प्रयोग करते हैं तब निरामावस्था रहनी चाहिए और शरीर भी स्निग्ध होना चाहिए, जिससे दोषों को संपूर्ण शरीर से दोषों को छोड़ के, दोषों को खींच के पक्वाशय में ये लाता है निरूह बस्ती, और मल के साथ प्रत्यागम के साथ वो शरीर के बाहर जाते हैं। अभी ये जो संदर्भ हमने देखा उसकी ये टीका है, अतिरोक्षात अनागच्छन स्नेह यदि जाड्य अग्निसाद आदि दोषा न विधत्ते तत उपेक्षत एव न तत् निष्कासने एतत् इत्यर्थः अद्युषितो रात्रिं यदि स्नेह ततः परिणत्वात् रसादि धातु समतां गतः। ये संपूर्ण शरीर में रस आदि धातु तक वो स्नेह गया है तो भी प्रभाते शुंठी धान्य का अम्बुद उष्ण पिबेत केवलम वा या केवल उष्णजल दे सकते हैं। अभी और एक बात जो यापन के लिए भी आवश्यक है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दीप्ताग्निम तु आगत स्नेहम सायाह ने भोजयत लघु। हमने स्नेह बस्ती दिया, अग्नि उत्तम है और प्रत्यागम भी हुआ, तो शाम को खाना देना है। क्या देना है? लघवान्न देना है, लघु अनभिषंदी उष्ण ऐसा आहार पूरे बस्ती उपक्रम में देना है। अभी यहां पर एक बात है कि दीप्ताग्नि में प्रत्यागम के बाद भोजन देना है। अभी तंत्र युक्ति के साथ या टीका के साथ हमें और एक बात समझनी है जो आयुर्वेद रसायन ने बताई है, इसके विपरीत बात है, विपरीत तंत्र युक्ति से। मंदाग्नि है, अनागत स्नेह है, तो क्या करना चाहिए? मंदाग्नि अनागत स्नेहम च सायम न भोजयेत, रात को कुछ नहीं, लघु भी नहीं, कुछ नहीं देना है। मंदाग्निम अनागत स्नेहम च सायम न भोजयेत इति इतर नियमेन आह दीप्ताग्निम इति, क्योंकि ये विपरीत नियम है। दीप्ताग्नि में अगर देना है तो मंदाग्नि में नहीं देना है, आगत स्नेह में देना है तो अनागत स्नेह में नहीं देना है। यही बात संग्रहकारों ने, अष्टांग संग्रह ने और एक बात बताई है। देखिए जैसे जैसे अभ्यास होता है, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं और कुछ ना कुछ हम सूत्र बनाते हैं। हम भी हमारी रुग्ण चिकित्सा में ऐसे ही करते हैं। एक रुग्ण में एक बस्ती दिया, वही उपक्रम वही कल्प हमने दूसरे बस्ती में दिया, लेकिन उसमें प्रत्यागम, उसमें व्याधि के लक्षण में उपशय, उसमें और कुछ जो हमें ऑब्जर्वेशन होता है उससे हम बदल करते हैं। कभी पूतो यवान्यादि कल्क डालते हैं, कभी केवल त्रिकटु का कल्प डालते हैं। पूतो यवान्यादि कल्क में मदन फल है, मैं इसमें ये रुग्ण के लिए मैं मदन फल निकालती हूँ, सिर्फ शतपुष्प ज्यादा डालती हूँ, ये कब हो सकता है? ये ऑब्जर्वेशन से ही हो सकता है। अब देखिए संग्रहकारों ने क्या लिखा है, न एव च अनागत स्नेहम अपि द्वितीय अहनी न चतम अनुवासयत, दूसरे दिन स्नेह बस्ती देना ही नहीं है। अभी अगर हम रोज रुग्ण का परीक्षण नहीं करेंगे, अगर हम रोज फॉलोअप नहीं लेंगे, तो क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
और यही बात यापन बस्ती के साथ भी हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये पूरे व्याख्यान में यापन बस्ती में घटक द्रव्य क्या है, कैसे बनाना है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सभी ग्रंथ में है, पुस्तकों में भी है और आप सभी को वो मालूम भी है क्योंकि आप बहुत सब आप यहाँ पर जो है वो सभी अच्छे चिकित्सक भी है। तो लेकिन ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये गलतियां होती है और वो हमें नहीं करना चाहिए। अभी और एक बात, जैसे मैंने बताया कि यापन निबद्ध दोष में देना है, उसी प्रकार शोधन बहु दोष में देना है। और बहु दोष के दो व्याधि हमारे पास बहुत आते हैं, ये व्याधि तके रुग्ण, जैसे कि मधुमेह और कुष्ठ, और जिनकी चिकित्सा करते समय हमें भी कालावधि भी थोड़ा अधिक लगता है। जैसे कि सर ने बताया कि हमें बताना आना चाहिए कब उपशय मिलना है, 2 महीने में, 3 महीने में, 2 दिन में या 3 दिन में। तो जो रुग्ण बहुदोषज है या जिनके शरीर में अग्नि की विषमता अपचार के कारण बहुत दिन से बहुत बदल गई है, उनमें उस शरीर में दोषों की वृद्धि होना, दोषों का संचित होना, ये शरीर का स्वभाव बन जाता है। और ऐसे रुग्ण में बार बार शोधन करना पड़ता है, जिसका प्रमुख उल्लेख है कुष्ठ में। मधुमेह ऐसा व्याधि है कि जिसमें धातु में शिथिलता होती है, इसलिए अबद्ध मेद होता है, जिसको संवहनन नहीं है और फिर दोषों का रहना ज्यादा होता है, और ऐसी अवस्था में हमें शोधन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है, संदर्भ है, वो अनास्थाप्य मधुमेह और कुष्ठ, और आगे बताते हैं कुष्ठ में ये बस्ती दो, मधुमेह ये बस्ती दो, ये कैसे समझना चाहिए। तो इसका अर्थ यहाँ पर है अवस्थाम प्राप्यम निर्दिष्टम कुष्ठिनाम बस्ती कर्मच। और इसके आगे की जो 2 लाइन है वो हमें एक मार्ग दिखाती है, एक पथ दिखाती है। वो पथ क्या है? कुर्यात् उह्यम् स्वयं धिया। हमें एक मार्ग दिया है ग्रंथ ने, तस्मात् सति अपि निर्देशे कुर्यात् उह्यम्। हम हमारा ऊहन, चिंतन, मनन, निरीक्षण, सिलेक्शन सभी करते रहना चाहिए, और अगर ये करते गए तो ही हमें अच्छी तरह से सिद्धि मिलेगी। और यदृच्छा सिद्धि, ये इसके बारे में तो आज सवेरे ही हमने सर के उत्तम वाणी से बहुत अच्छा सुना है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर हमें सिद्धि चाहिए तो हमें हमारा खुद का एक अभ्यास, चिंतन होना बहुत आवश्यक है। अभी यही देखो, कुष्ठ और प्रमेह में ही यही पाठ है, पटोल निम्ब भूनिम्ब रासना सप्तच्छद अम्बसा चत्वारा प्रसृतः एको घृतात् सर्षपकल्पितः निरुहा पंचतिक्तो अयम् मेह अभ्य मेहाभिषंत कुष्ठनु। मैंने जो बताया कि मेरे एक रुग्ण में जिसको केक जैसा श्लेष्म पतन हुआ, उसको मैंने ये बस्ती दिया था, और कुष्ठ की रुग्णा थी वो, और आज भी मैं बहुत सारे रुग्णों को ये कल्प प्रयोग में लाती हूँ। और बहुत कभी सभी जगह केक नहीं निकलता, लेकिन पिछिल श्लेष्मा वेदना न होते हुए केवल श्लेष्मा पतन, और उसके बाद में उदर में लाघवता, पेट में बिल्कुल हल्कापन, रुग्ण बोलता है कि फार छान वटते, पोट खूबच हल्क झाले, और हमें भी उदर परीक्षण करते समय ऐसा लगता है कि बहुत मृदु हुआ है। मेरे जो गुरुवर्य जिनका स्मरण होना ही चाहिए, जो बहुत अच्छे पंचकर्म चिकित्सक थे, कैलाशवासी वैद्य बिंदु माधव कट्टी सर, वो बोलते थे कि हमें रुग्ण का उदर परीक्षण करने से उसका सब इतिहास मालूम होता है। जिह्वा परीक्षण, उदर परीक्षण और पुरीष परीक्षण, ये 3 परीक्षण करते हुए सर रुग्ण का अग्नि, रुग्ण का व्याधि का स्थान, दोषों का स्थान, जैसे कि आमाशय से दोष पूर्ण हो रहा है या पक्वाशय से, ये निश्चित करते थे। और उसके अनुसार आमाशय से है तो लंघन या वमन, और पक्वाशय से है तो विरेचन या निरु बस्ती, ऐसी चिकित्सा का योजना करते थे। और उसी प्रकार की चिकित्सा अगर हम करते गए तो मुझे लगता है हमें सिद्धि निश्चित मिलती है। अभी
जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ कल्प नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ बताना ही है ऐसा समझ के मैं कुछ कल्प बताती हूँ। जैसे कि कृमिघ्न बस्ती में कृमि के अपकर्षण के लिए करण जनिम्ब निर्गुंडी, 3 दिन 3 साइकिल, हर एक मंथ में 1 साइकिल ऐसा मैं देती हूँ और कृमि का अपकर्षण होता है। अभी जिन रुग्ण में कृमि के अपकर्षण करने के लिए रुग्ण पुरुष है, बाल है, उनका अपकर्षण करना है तो मैं ये ऊपर का प्रयोग करती हूँ। और जो रुग्ण बलवान है, जिनका अग्नि निराम है लेकिन तो भी क्लेद संचिति है, कृमि के कुछ लक्षण दिख रहे हैं और इस कृमि से शायद आगे कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनको कृमि कोष्ठ या उससे कुछ अलग व्याधि हो बैठे, तो उसके पहले ही अपकर्षण करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये शोधन बस्ती उपयोग करती हूँ, जो विडंगत त्रिफला शिग्रु मुस्ता दंती यव मदन फल ऐसा। तो स्नेह कहाँ पर और प्रधान क्वाथ प्रधान कहाँ पर, ये निर्णय हमें एक ही कृमि में करना है। ये इसका संदर्भ है, ये कृमिघ्न बस्ती का। अभी जैसे हमने अभी देखा कि शोधन बस्ती किया या यापन बस्ती किया, शोधन बस्ती यापन बस्ती में परिहार है, शोधन यापन बस्ती में कुछ नियम है। उसी प्रकार उत्तम लंघन होने के बाद भी, बस्ती उपक्रम के बाद भी हमें कुछ आहार नियोजन, संसर्जन क्रम, इस प्रकार का भी प्रकार की भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि उत्तम दोष है और हमने मृदु शोधन कर दिया तो प्रवाहिका हो जाएंगी, इसलिए उत्तम दोष है तो शोधन ही करना चाहिए। दोष है लेकिन निबद्ध दोष है तो उनको निकालते समय यापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और अगर उत्तम दोष है और हमने मृदु औषध उपयोग किया, हमने बस्ती में मदन फल नहीं डाला, हमने बस्ती में प्रक्षेप नहीं डाला, मैं नहीं बोलती कि हर बार कल्क का प्रयोग प्रक्षेप के रूप में करे, वात करते समय भी प्रक्षेप डाले तो भी बस्ती तीक्ष्ण होता है। और अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होता है, प्रवाहिका, पायुशोभ, उरुसदन, इस प्रकार की अवस्था आती है और फिर हमें और तीक्ष्ण शोधन करना पड़ता है, उत्तम लंघन करना पड़ता है और विरिक्तवत आचरण भी करना पड़ता है। अभी और एक उदाहरण देती हूँ कि पीसीओडी के आजकल हमारे पास रुग्ण आते हैं, उनकी अवस्था बस्ती चिकित्सा के लिए अगर योग्य है, वमन से भी पीसीओडी की चिकित्सा होती है, विरेचन से भी होती है और बस्ती से भी होती है, हेतु विपरीत के साथ, हेतु विपरीत के साथ, शरीर शोधन के साथ पीसीओडी की उत्तम चिकित्सा कर सकते हैं। पीसीओडी के लिए ये औषध ऐसा हमारी चिकित्सा नहीं होती। अगर संतर्पण के कारण पीसीओडी है तो निरामावस्था आने के बाद एरंड मूलादि शोधन का प्रयोग किया जाता है, मैं करती हूँ। और अपतर्पण के साथ पीसीओडी है, अग्नि दुर्बल हुआ है तो एरंड मूलादि यापन का प्रयोग करती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पीसीओडी का रुग्ण आई थी, उसको वेट कम करो, वो एक स्लिमिंग सेंटर जाती थी, डाइट भी बहुत त्रिपाठी मधुमेह का जैसे डाइट करती थी और इतनी क्रूश हो गई और इतना उसका अग्नि का बल भी कम हो गया, तो उसको मैंने एरंड मूलादि यापन दिया और उसके बाद में बहुत अच्छा लाभ हुआ। तो इसी प्रकार थायराइड में भी ये क्वाथ का निरोह और इस तेल का अनुवासन, इसका प्रयोग होता है और इसी तेल का भूनिम्बादी जैसे या बलादि यापन का प्रयोग होता है। पार्किंसंस के भी आजकल रुग्ण हमें दिखते हैं जिसमें बहुत दिन का संप्राप्ति का अनुबंध होता है और धातु का बल कम होता है, तो ऐसी अवस्था में श्लेष्म मेद अवृत्त ऐसा जो वात व्याधि जैसा इसका वर्णन हो सकता है, यहाँ पर कफग्न निरूह तीक्ष्ण निरूह, लेकिन उसके साथ साथ वात प्रधान व्याधि है इसलिए पंचतिक्त अनुवासन या धन्वंतर तैल का अनुवासन व्यत्यास में करके या इसमें बलादि यापन का बहुत अच्छा लाभ होता है। प्रथम एक योग बस्ती का उपक्रम होने के बाद या 8 दिन श्लेष्म अच्छा तरह से शोधन होने के बाद, उसके बाद में अगर हमने बलादि यापन का प्रयोग किया तो धातु बल, स्नायु का बल, मांस का बल, मज्जा धातु का बल अच्छा धारण होने के बाद फिर दोष वहां पर नहीं रुकते और रुग्ण के जो नित्य नियमित कर्म है उसमें बहुत अच्छा लाभ होता है।
अभी हर एक व्याधि के अनुसार उसके उसके औषधियों का प्रयोग करना आवश्यक है, चाहे वो सिद्ध बस्ती कल्प हो या चाहे वो हमारा अस्थापन गण के साथ, अनुवासन गण के साथ, षड स्कंध के साथ, या शोधन आदि गण में जो गण दिए है अष्टांग हृदय में, जैसे कि वीरतर आदि गण है या अर्कादि गण है, मूषक आदि गण है, इनका हर एक अलग प्रयोग है। अर्कादि श्लेष्मग्न के लिए है, वीरतर आदि वातग्न के लिए है, ये भी हमें प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इन सभी की फलश्रुति में दिया है कि ये क्वाथ नस्य अनुवासन अभ्यंग सभी के लिए ये गण बताया है और उनका प्रयोग हमें करना पड़ता है। लेकिन वो जानबूझ के अगर हमने किया तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ सिद्धि मिलती है। यथा स्वयं ही औषधय ही सिद्धांत बस्तिन दद्यात् विचक्षणाः, सभी व्याधि में। तो इसलिए हमें व्याधि का ज्ञान, औषधों का ज्ञान, जैसे कि सबेरे के लेक्चर में सर ने बताया कि हमें व्याधि के ज्ञान के लिए दोष का ज्ञान भी होना चाहिए और हेतु का ज्ञान भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके तत्प्रत्यनिक, हेतु के प्रत्यनिक और व्याधि के प्रत्यनिक औषधों का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि शूल लक्षण में वचा अश्वगंधा का विचार करना चाहिए, करिए सिर्फ, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ, कुछ उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर शोथ है तो दशमूल गोमूत्र, अगर कंडू लक्षण है या कंडू प्रधान व्याधि है तो करंज मरीच, पुष्ठ में खदीर, प्रमेह में दारू हरिद्रा धात्री त्रिफया, पांडु में त्रिफला पुनर्नवा दाढ़ी। अभी पांडु में केवल हरितकी कब यूज करना है और दाढ़ीम कब यूज करना है, ये भी एक युक्ति है और वो भी हमें समझना आवश्यक है। कृमि में विडंग इंद्र, इस प्रकार के अनेक अनेक अन्य व्याधि का प्रयोग होता है। अभी एरंड मूलादि शोधन जो मैंने बताया कि जिसका प्रयोग, तो यहाँ पर मैंने पाठ भी आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ये सभी ग्रंथ में का ही है, लेकिन उसका जो प्रमाण है, द्रव्य कितना लेना है, पानी कितना डालना है, उसको अच्छी तरह से क्वाथ कैसे बनाना है, मदन फल पिप्पली, और अभी यहाँ पर एक बात मैं बताती हूँ कि मदन फल पिप्पली 6 मदन फल डालने हैं, 8 मदन फल डालने हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। मैंने पहली बार देखा कि जब मैं इतनी बड़ी मात्रा में मदन फल डालती थी तो एक दो रुग्ण में निरूह देने के आधे प्रत्यागम होने के बाद भी आधे घंटे में बहुत जोर सी उल्टी होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, निरूढ़ के लक्षण निर्माण हुए, रुग्ण ने आहार लिया और उसके बाद में उसको रुल्लास हुआ और एक छर्दी हो गई। तो फिर मैंने मदन फल की पिप्पली की मात्रा कम की, और एक बार ऐसा हुआ कि हम मदन फल की पिप्पली निकालते थे और उसका जो टर्फल है, त्वक है, वो अलग रखते थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये त्वक क्यों ना डाले हम बस्ती के में, और जैसे मैंने एक दो रुग्ण में ये किया तो मुझे ऐसा लगा कि इससे शोधन भी होता है, मदन फल का कर्म भी दिखता है और पिप्पली की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं ये बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहती हूँ कि योग्य अवस्था आने के बाद, निरामावस्था आने के बाद, दोषों का अपनी जगह से छूटने की अवस्था आने के बाद ही ऐसे कल्प के साथ हम दोषों का शोधन करते हैं। अभी कुछ संतर्पण के कारण जो वात व्याधि होते हैं, जैसे कि ये ऐसे निदान लेके हमारे पास रुग्ण आते हैं, लेकिन वहां पर अगर निरामावस्था है, क्लेद शोथ कफ इनका शोधन हमें करना है तो हमें ये एरंड मूलादि शोधन बस्ती का प्रयोग होता है। अभी एरंड मूलादि यापन का पाठ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये यापन बस्ती का निर्माण करने का जो प्रकार है उसमें क्वाथ, फिर उसमें दूध डालना और फिर वो सिद्ध क्षीर करना, ये बहुत अच्छी तरह से हमें करना आवश्यक होता है, क्योंकि क्वाथ में जो द्रव्यों का अंश आता है वही द्रव्यों के अंश के साथ जो सिद्ध क्षीर बनाया जाता है उससे निश्चित रूप से ये एक अलग कल्प बनता है। और जीर्ण वात व्याधि, जीर्ण व्याधिकर्षित रुग्ण, दुर्बल रुग्ण लेकिन निबद्ध दोष, इनमें इसका प्रयोग होता है। और कुछ थोड़े से तीक्ष्ण जिसमें बिल्व वचा है, कुष्ठ है, थोड़ा सा रोक्ष भी देने के लिए यव है, ऐसा कल्क द्रव्य इसमें डालने से निबद्ध दोष थोड़े थोड़े करके निकलते हैं। और जो अलग सा पाठ है वो है मुस्ता दियापन का,
जिसका प्रयोग भी बहुत बार ज्यादा मात्रा में होता है, और इसके फलश्रुति में ही यही बात दी है कि मांसाग्नि बल शुक्र विवर्धना। अभी व्याधिकर्षित रुग्ण, बलवान व्याधिकर्षित अवस्था, जैसे कि सीए सर्विक्स, सीए ओवरी, इनमें या अन्य प्रकार के कैंसर में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हुई है पूरी, जैसे कि केमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुई, और अभी पेशेंट व्याधिकर्षित है, या मैं बोलूंगी ट्रीटमेंट कर्षित भी है, अग्नि थोड़ा थोड़ा उद्दीपित हो रहा है, लेकिन अग्नि अच्छा नहीं है इसलिए थोड़े दोष शरीर में है। ऐसी अवस्था में मैंने बहुत रुग्णों को ये मुस्तादी यापन दिया है, और मेरा एक ऐसा अनुभव है कि मुस्तादी यापन के साथ दोष क्षय तो होता है लेकिन बलधारण भी अच्छा होता है। इस पाठ में बला भी है और मंजिष्ठा भी है, उसी प्रकार एरंड भी है और आरगवत भी है, तो दोनों के संयोग से एक अलग सा कर्म हमें दिखाई देता है। लेकिन बहुत बार बहुत व्याधिकर्षित हो तो यहाँ पर भी 8 मदन फल की मात्रा का ग्रंथ में निर्देश है, तो उसको हम कम करेंगे या युक्ति से उसका प्रयोग करेंगे, ये भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग अवस्था में जहाँ पर यापन करना है निबद्ध दोषों को तो थोड़ा सा कम भी करना है और शरीर के बल का भी यापन करना है, ऐसी अवस्था में इस प्रकार के यापन बस्ती का प्रयोग होता है। तो ये अष्टांग हृदय कल्प सिद्धि के 4th अध्याय का रेफरेंस है। अभी मैं आखिरी ओर जा रही हूँ व्याख्यान के, कि एक अष्टांग संग्रहकारों ने ऐसा एक उपमान दिया है कि जैसे कि जो पट है, जो वस्त्र है, उसका जो वर्ण है वो पानी के साथ निकल आता है, यथा कुसुम्भादि युतः तोया रागम हरेत पटा, निकल आता है, स्वच्छ होता है। उसी प्रकार द्रवीभूत दोष, छूटे हुए दोष, घूमने वाले दोष, संपूर्ण शरीर में से घूमने वाले थोड़े वृद्ध दोष बस्ती के साथ हम शरीर से निकाल सकते हैं, और हमें मालूम है कि दोषाः एव हि सर्वेषां रोगाणां एक कारण। तो ऐसे दोषों की चिकित्सा करने के लिए बस्ती चिकित्सा, चाहे वो शोधन बस्ती के साथ हो या यापन बस्ती के साथ हो, उसके साथ हम ये चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने मेरे कुछ अनुभव के साथ और सिद्धांत के साथ, मुझे मालूम है कि ये संहिता निरूपण का कार्यक्रम है जहाँ पर संहिताओं से ही बात करना अनिवार्य है, तो मैंने संहिता के संदर्भों के साथ ये दो जो शोधन उपक्रम है, यापन बस्ती भी शोधन भी है, ब्रूहण भी है, यापन करने वाली भी है, तो ये दोनों के साथ रखने का और उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे निर्णय लेना है, ये बताने के लिए संदर्भ के साथ मैंने कुछ प्रयास किया है। तो मुझे लगता है मेरे पास मेरे गुरुवर्य ने जो मुझे दिया और जो मेरा अनुभव थोड़ा फार मुझे है वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया, इसमें जो भी बातें हैं, जो योग्य बातें हैं, ये मेरे गुरुवर्य की देन है, और इसमें भी त्रुटियां हैं, निश्चित रूप से कुछ त्रुटियां होगी तो वो मेरी खुद की है, इतना समझ के हमारे गुरुवर्य अनंत धर्माधिकारी सर, कैलाशवासी बिंदु माधव कट्टी सर, मेरे और एक गुरु वैद्य सप्रसर देशमुख सर, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे रुग्ण है जिनमें ये चिकित्सा प्रयोग करते समय मुझे अनुभव मेरा थोड़ा बढ़ गया, उन सभी का स्मरण करते हुए
मैं आज के इस व्याख्यान का विराम देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। सच कहें तो आपका यह व्याख्यान होने के बाद